परसों जब चुनाव हो गया तो पता है कि नहीं है, वो खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब जो कुछ कहना है वो नई पार्टी कहेगी। नंदनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि चार दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता, कोई क्या कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी। इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, उनको मुबारक। देखिए ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे, उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि चार दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। नंदनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता। और देश के 2500 के 2500 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है, और खुशी खुशी किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई, अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज है आप? अरे हम काहे नाराज होंगे, नहीं। अब जो मुझे इतना गाली देता हो मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं, वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सकते। सड़क पर छोड़कर आगे पर। अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ हो सर? देश ने सम्मान किया था उनको। अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं है। आपको पीछे हटने के लिए कहा गया है, क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है, कायम रहेगा। आज आप कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या पार्टी की? अरे भाई आप रेस में आ गए मालिक। अरे भैया परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं रिटायर होगा, अपने घर चला। सर साक्षी मलिक क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई? कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कि हमारी जीत हुई है। सर जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने, उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा, मेरे से न करवाइए। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी। और अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। कम से कम 20 साल अभी मोदी जी ही देश के नेता रहेंगे।